हम बहुत दिन हो गए, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल छोड़े काम, और हम यहाँ ना आते हैं सीखने। कितने साल से ये काम कर रहे थे? हम बहुत दिन से कर रहे थे, 14-15 साल हो गए। हमारी सास नहीं थी इसलिए हम कर रहे थे, कोई काम ही नहीं था हमारे पास, हम छोड़ दिया, हमारी मर्जी, धीरज भैया छुड़ा दिए तो छोड़ दिया। हमको बहुत दिन हो गए मई जून से आ रहे हैं, हमको अच्छा लगा, अच्छा लगा, ये सिलाई सीख रहे हैं, सिलाई कढ़ाई बहुत खराबी थी उसमें, गंदा काम को तो आदमी छूत मानते थे, और हम कहते थे जमादारिन है, डुमारिन कहते थे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ाए जाते थे स्कूल में, छूत मानते थे, जहाँ जाते थे दूर बैठाते थे हमको। 10-12 साल कहीं 10-12 साल किए, फिर इसके बाद बंद हो गया काम। फिर हम सोचे कि कुछ करें, कुछ हम बनना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य बनाना चाहते हैं, और इसके आगे अपने बच्चों को कोई अच्छा इंसान, अच्छा नेक मकसद पर खड़ा करना चाहते हैं हम, इसीलिए ये सब काम हमको अच्छा नहीं लगा, हमने छोड़ दिया है। अगर सिलाई या कढ़ाई बुनाई में हमें बहुत मन लगता है, हम 12वीं पास हैं, और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें, कोई लोग कहता है नहीं नहीं ऐसे ये काम करना नहीं है चाहिए इनको, इनको घर में जाना पड़ता था, मगर और बाहर नहीं निकल पाती थी ना, तो हम जरा उनसे हट कर है, वो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी तो इतना नहीं चेष्टा कर रहे थे, हम जरा इंटर पास है तो हम सोचे कि हम कुछ बनेंगे, हम कुछ करेंगे, और कोई हम कोई ऐसा काम तो करने जा नहीं रहे, कोई अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, कोई नेक काम करने के लिए, और कोई इधर उधर नहीं जाना हमको, हमको अपने बच्चे के भविष्य के लिए और अपने परिवार के नाम रोशन के लिए आगे बढ़ना है, और अपने घर को भी देखकर चलना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए हम काम कर रहे हैं। वो वाला गंदा काम हमको नहीं अच्छा लगता था, हम शुरू से, हम बचपने से नहीं किए थे, हमारे मायके में भी नहीं किया जाता था ये काम, हमारी माँ जाया करती थी तो हमारे पिताजी खुद मना किया करते थे, अगर माँ जाया करती थी, माँ नहीं रही तो हम नहीं जाया करते, तो हम हमारे पिताजी हमको पढ़ाया करते थे तो कि तुमको घर से कहीं नहीं जाना है, तुमको घर में रहना है। अभी हमारी शादी हो गई, हमको यहाँ हमारे पतिदेव नहीं जाने देते थे, मगर हम जबरदस्ती जाने लगे थे, फिर 10-12 साल गए, फिर उसके बाद नहीं जाने लगे। धीरज हाँ अभी से बंद हुआ, जब से धीरज हेलो हेलो मैडम जी नमस्कार, और कैसा चल रहा है, क्या क्या सीख रहे हैं आप लोग? ब्लाउज वगैरह सब सिल लेते हैं, और ये जो जरी का काम है ये भी सीखते हैं। आप बहुत हैवी बनाते हो, तो कई बार हल्का लाइट जो जैसे दिल्ली में चलेगा वो बिल्कुल हल्का चले लेकर 3-4 फुट डालो जी। There are around 30 women in the morning, about 30 in the evening. It's not a job, it's a slavery. So we have been speaking against the issue of untouchability and manual scavenging. We have started our work in many other places and wanted to replicate here, because this district has a large number of manual scavengers, and most of the time they wanted to leave the work, but all the time they have this complaint that we don't have an alternative. This is a very old occupation, and this has been traditionally, you know, coming from one to others, and that is why people think that this work is reserved for them. It's a kind of a reservation which our religious system has done for them. India needs a social renaissance. We desperately need it, because we have the forces
our constitution is a modern constitution, but our social constitution is still dominated by the laws of the Manusmriti, which is the law of Hindu code of conduct. And this law actually defines people on the basis of their birth. You are born in a certain caste, so you have to do that work. I cannot call it a civilized nation as long as manual scavenging exists in this country. सरकार से बातचीत हो रही है कि इनको सम्मानजनक पुनर्वास किया जाए, इसके लिए लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन पदयात्रा सब निकाल रहे हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि महिलाएं ताकतवर आर्थिक का मौका नहीं दिया गया। हर मामले में बड़ा जरूरी है और जब सीखेंगे तो सीखने, एक बार और बताते हैं आप, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक।